हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अभी जो आप लोगों के साथ में जॉब शेयर करूंगी वो सिर्फ ही सिर्फ कस्टमर सपोर्ट से ही नहीं तो बाकी जो टेक्निकल फील्ड से भी होते हैं वो भी जॉब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में मैं एटलीस्ट 3-4 वीडियो ऐसे बनाऊँ जहाँ पर आप लोगों को कोई टेक्निकल नॉलेज दूँ या टेक्निकल से रिलेटेड कोई जॉब रोल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो आज का भी जो जॉब अपडेट है, सबसे पहले जॉब अपडेट सुन लो, बहुत ही अच्छा है। जो जॉब अपडेट है वो भी एक टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ये काम जो है वो आप घर पर बैठकर कर सकते हो, डेफिनेटली इट्स अ वर्क फ्रॉम होम। और जो अपडेट आई है वो गूगल की तरफ से आई है। सो जो जॉब अपडेट है जैसे आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो ना गाइस, ये गूगल की तरफ से अपडेट आ गया है। और यहाँ पर डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, आप कह सकते हो डेटा साइंस, एक यूट्यूब के लिए एक्चुअल में ये जॉब अपडेट आया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर भले लोकेशन बैंगलोर दिया गया है बट इट्स वर्क फ्रॉम होम, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है दैट इज द बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। जैसे मैं कह सकती हूँ कि डेटा साइंस के लिए आप लोगों के पास में स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है तब भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो, और नहीं भी है तब भी आप नॉलेज गेन कर भी यहाँ पर काम कर सकते हो। सो यहाँ पर एक ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन लोगों ने। और आप लोगों को कोई कह सकते हो रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल से रिलेटेड कोई नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ये प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में, अगर आपके पास में ये मिनिमम वाला भी क्वालिफिकेशन है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जॉब करना क्या है, आप लोगों का एक्चुअल में रोल क्या होता है, तो एज अ डेटा इंजीनियर विद इन यूट्यूब एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस यू विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ एनालिटिक्स। अगर आप जानते हो कि यूट्यूब में एक एनालिटिक्स का एक पेज होता है जहाँ पर आप लोगों का चैनल का एनालिटिक्स आप लोगों को दिखा जाता है कि आप लोगों के चैनल पर कितने फीमेल कैंडिडेट, फीमेल व्यूअर्स है, मेल व्यूअर्स कितने हैं, कहाँ से व्यूज आ रहा है, कौन सा रिसोर्स है, ये सारी जानकारी जो होती है ना ये डेटा से आ जाती है हम लोग को। तो ये जो काम है वो इसी के लिए ये भी जॉब ओपनिंग यहाँ पर आ गई। और ये काम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, ठीक है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये YouTube से एनालिटिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड ये जॉब आ गया है। और इसके लिए आप लोगों को SQL और ETL का थोड़ा सा नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो कुछ भी है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जॉब की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको इस जॉब पर अप्लाई करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। एंड आप लोगों का अगर गूगल के पेज पर कोई पहले से अकाउंट है दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ पर जो है आपका अकाउंट तैयार कर यहाँ पर ये दे सकते हो। सो अभी जो जॉब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया गाइस दैट इज डेटा साइंस से रिलेटेड है। अब अगर मैं बात करूँ कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया में अगर कोई दो सेक्टर्स बूम में है, एक जो है वो आप लोगों का IT सेक्टर है और जो दूसरा सेक्टर है दैट इज़ द कॉर्पोरेट सेक्टर है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हो और IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप लोगों के पास में कुछ तो स्किल होना ज़रूरी है या कुछ सीख के आना भी बहुत ज़रूरी है। सो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं भी हो तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो और क्यूरियस हो कि हर एक चीज़ में जानना आप लोगों को अच्छा लगता है तब आप मेहनत कर भी इस फील्ड में अपना जो नाम है यहाँ पर बना सकते हो। और डेटा साइंस की मैं बात हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो आने वाले नेक्स्ट वाले 5 साल होने वाले हैं इसमें यहाँ पर डेटा में हर कोई जो है वो डेटा पर ही फोकस कर रहा है। अगर आप मेरी मानो तो देखो, कोई भी कंपनी हो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो जानना चाहती है कि क्या वो कस्टमर को पसंद है या नहीं, वो किससे जानेगी, डेटा के थ्रू में जानेगी। कोई हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट के जो कंप्लीट उसके इंक्वायरी से लेकर उसने क्या क्या ऑपरेट किया है वो सब कुछ जो जानकारी आ जाती है वो कंप्लीटली आप लोगों का जो डेटा होता है एज अ पेशेंट बोलकर वो आप लोगों के हॉस्पिटल में सेव होता है। और एक डॉक्टर वहां पर बैठकर एक पेशेंट का सब कुछ इंफॉर्मेशन कैसे जान लेता है, थ्रू द डेटा ओनली, राइट। अगर मैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दूं आप लोगों को तो अब बैंकिंग सेक्टर की बात लो, आप लोगों को कोई कॉल आ जाता है कि आप इलिजिबल हो एक लोन के लिए बैंक के लिए, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का लोन लो, ऐसे फोन कॉल शायद से आप लोगों को भी हर रोज़ आते होंगे। ये क्यों आते हैं, ये जो होता है ये डेटा जो होता है आप लोगों का ये बैंकिंग के पास में कैसे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उससे रिलेटेड कहीं सर्च किया होता है, इसीलिए ये जो डेटा होता है वो फेट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, आप जो डेटा कंज्यूम करते हो वही डेटा जो है वो आप लोगों को बार बार शो भी किया जाता है। सो दिस इज द फैक्टर कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेटा एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आने वाले 10 सालों में इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। और एक सबसे बढ़िया बात ये है कि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप लोगों को हाई पेइंग सैलरी मिलती है। सो अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आप लोगों का सैलरी पैकेज 10 LPA से आराम से यहाँ पर शुरू हो जाता है। और इसके लिए अगर आप और अच्छी मेहनत करते हो, आपके स्किल्स जो है उसको डेवलप करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का सैलरी का पैकेज होता है वो भी हाई हो जाता है। अब मान के चलो अगर मुझे डेटा साइंस में मुझे करियर करना है तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बताती हूँ कि भाई एक्चुअल में आप लोगों के डेटा साइंस में होता क्या है, उसमें कौन से स्किल्स होते हैं जो आप लोगों को चाहिए। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तब भी आप लोगों को जानना तो चाहिए कि क्या ये स्किल्स मैं सीख सकता हूँ और कहाँ से सीखूंगा। तो आज ऐसे ही एक कोर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँगी कि कहाँ पर आप लोगों को ये स्किल सेट जो है वो अच्छी तरह से आप लोगों को सीखने को मिलेगी। सो
अगर आप ये चेकआउट करते हो ना गाइस के एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, ये जो सारी स्किल्स है ना, अगर आप लोगों को डेटा साइंस में करियर करना है तो इसका बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास में होना जरूरी है। और जब भी आप कोई भी डेटा कोर्स, डेटा साइंस से रिलेटेड हो गया या किस कोई भी कोर्स जब भी आप करना चाहते हो मार्केट में जाकर, तो पहले अपना जो टाइम और मनी है वो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर जान लेना कि वो कोर्स क्या वही स्किल्स आप लोगों को सिखा रहा है, और वो स्किल सेट आप कहाँ से ढूंढोगे। जो फील्ड में आप जॉब करना चाहते हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा कहती हूँ आपके रिज्यूम में वो स्किल सेट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसमें क्या स्किल सेट मांगे गए, उसमें से कौन से स्किल सेट मेरे पास में है और कौन से स्किल सेट है जो मुझे सीखने है, ये इसका एक बार तय कर लो। और अगर वो स्किल सेट आप जो कोर्स करना चाहते हो उसमें है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के पास में एक ऐसा कोर्स आप लोगों को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोगों के पैसे भी बचेंगे, क्योंकि जो स्किल सेट नहीं है वो सीखने में क्या पॉइंट रहेगा, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को अभी कहा कि क्या ये स्किल सेट आप लोगों को जहाँ सीखने वही स्किल सेट अगर आपके पास में तब भी आपको एक कोर्स ज्वाइन करना। जैसे डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो आप यहाँ पर जो कोर मॉड्यूल इन लोगों ने दिया है ओडियन स्कूल का, वहाँ पर एसक्यूएल, पाइथन, देन मिनी कैपस्टोन, ये मतलब ये वही यहाँ पर मॉड्यूल्स है जो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर स्ट्रांग बनाते थे। तो और यहाँ पर आप लोगों को एडिशनल मॉड्यूल्स भी जो यहाँ पर सीखने को मिल जाते हैं। ओडियन स्कूल में आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक से यहाँ पर सिखाई जा रही है। अब ये बात आती है कि क्या डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट कर मैं किस जॉब प्रोफाइल पर एक्चुअल में यहाँ पर काम कर सकता हूँ। साइंस का कोर्स कर आप इन चार प्रोफाइल्स पर यहाँ पर काम कर सकते हो, जिस तरह आप देख रहे हो कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, देन डेटा एनालिसिस, देन बिजनेस एनालिसिस एंड देन मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, इस तरह के प्रोफाइल्स पर आप यहाँ पर काम कर लेते हो। अब बात आती है कि भाई मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, मेरे पास में वो बेसिक जो है वो स्किल्स भी हैं। अब एक्चुअल में देखो आप कभी भी कोई भी थ्योरी अगर नॉलेज लेते हो तो उतना ही सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी जो होती है बस आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर लेती है, बट एक्चुअल नॉलेज जो चाहिए होता है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पर ही मिलता है। सो ओडियन स्कूल का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है यहाँ पर सिखाई जाती है। स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, देखो ओडियन स्कूल में जो भी आप कुछ सीखोगे ना उसका प्रोजेक्ट बेस्ड यहाँ पर आप लोगों को लर्निंग जो है यहाँ पर करने को मिलेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर आप लोग एक्चुअल में अपने जो स्किल्स सीखे हैं उसको एक्चुअल में डेवलप करते हो। जैसे ये COVID-19 का प्रेडिक्शन है, या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का है, या हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन है, या बैंक टर्म डिपॉजिट का है। सो आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी सीख रहे हो, जो स्किल्स आपने अडॉप्ट किए वो स्किल्स देखो, जैसे पाइथन हो गया, ML हो गया, ED हो गया, आप लोग जो स्किल यहाँ पर सीख रहे हो ना उसको आपको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो, और वही प्रोजेक्ट्स जब आप लोगों के रिज्यूमे में डाल लेते हो तो डेफिनेटली आपका रिज्यूम का वेटेज जो है वो यहाँ पर आराम से इतना इंप्रेसिव हो जाए। अगर आप लोगों ने आपके बेसिक्स कंप्लीट कर लिए और आप सोच रहे हो कि अभी मैं मेरे बेसिक कंप्लीट कर ही बस मुझे एक 25 लाख का, 35 लाख LPA का मेरा कोई जॉब लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो गाइस। मतलब यस ऑफकोर्स लगने तो वाला है, बट अगर देखो आप कितने भी स्किल्स आप लोगों के पास में हो वो अगर आप इंटरव्यू में दिखाते नहीं हो, शो नहीं करते हो, तब तक इंटरव्यू को पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें कितने स्किल्स है, और उतना सैलरी का पैकेज वो आप लोगों को ऑफर नहीं करेगा। सो मेरे कहने का मुद्दा ये है कि टेक्निकल स्किल के साथ में ही आप लोगों के पास में आपका कम्युनिकेशन स्किल होना, इंटरव्यू के प्रिपरेशन का स्किल होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ओडियन स्कूल पर ये सारे स्किल्स जो वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सिखाए जाते हैं। विद योर टेक्निकल स्किल यहाँ पर आप लोगों को आपका इंटरव्यू का अच्छे, मतलब आपने जितना अच्छा टेक्निकली नॉलेज गेन किया उतने ही अच्छा आप लोगों का इंटरव्यू जाए, इसीलिए ये लोग आप लोगों को हाई वैल्यू जो स्किल्स होते हैं यहाँ पर देते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, देन आपका आप कैसे सीखते हो ये देखना, देन आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर लेते हैं, देन इमोशनल इंटेलिजेंस की मास्टरी, देन आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आप लोगों के जो दूसरे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं वो सारे स्किल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से ओडियन स्कूल में सिखाए जाते। सो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आपका करियर डेटा साइंस में बने तो डेफिनेटली लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि और एक अच्छी बात ये है कि इनके जो बूट कैंप कोर्स है यहाँ पर आप लोगों को लाइव इंस्ट्रक्टर क्लासेस दिए जाते हैं, और इसके लिए अगर आप लोगों को ओडियन स्कूल का डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट करना है तो आप लोगों का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 मंथ्स का आप लोगों का यहाँ पर आराम से रह जाएगा। आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर मिल रही है, एंड ऑल्सो यू विल गेट अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर। एंड इनका जो नेक्स्ट अपकमिंग बैच शुरू होने वाला है दैट इज फ्रॉम द 30th March गाइज। ओके सो आप लोग अगर यहाँ पर कोर्स का हाईलाइट देखो तो आप लोगों के इतने कितने सेशंस होने वाले हैं, आप लोगों को यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिफिकेशन मिलने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, क्योंकि हम जब नई कोई चीज़ सीखते तो हम लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं और उन डाउट्स को सॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। सो और ये है कि गाइस देखो इनके पास में इनके 500+ हायरिंग पार्टनर्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा।
आप यहाँ पर इनका जो डेटा कोर्स साइंस का जो कोर्स है ना वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्चुअल में बात आती है कि कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस कोर्स को कर सकते हो। तो देखो, सभी जो अपना करियर डेटा साइंस में करना चाहते हो, जिनको करियर ट्रांजिशन करना है, या जिनको करियर में गैप है और अपना करियर फिर से शुरू करना चाहते हो, या आपका करियर जो अपग्रेड करना चाहते हो या करियर लॉन्च करना चाहते हो, तब भी आप यहाँ पर डेटा साइंस के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। और ये जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड हो चुके हैं, अगर आप इनके भी बारे में यहाँ पर सुनते हो, इनका पढ़ते हो, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि इन्होंने भी कहाँ से शुरुआत की थी और अब जाकर ये कहाँ काम भी करें। इनका जो कंप्लीट रोड मैप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। और देखो, हम कोई चीज़ मोटिवेशनल पढ़ते हैं तो हम लोगों के पास में भी एक मोटिवेशन आती है। तो मेरा डेफिनेटली ये बोलना है कि आप लोग एटलीस्ट एक का तो यहाँ पर ज़रूर पढ़ के लेना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि ये हम जैसे ही लोग हैं जो जीरो से अभी इन लोगों ने एक प्रॉपरली एक पाथ बनाकर अभी ये डेटा एनालिसिस्ट हो या बिजनेस एनालिसिस्ट हो, एज अ फ्रेशर बनकर, फ्रेशर से लेकर इन्होंने एक जर्नी जो यहाँ पर कंप्लीट की हुई है। ओके, आप यहाँ पर हर हमेशा नियर अबाउट 560 जॉब ओपनिंग्स फिलहाल के लिए आए। इनका जो बेसिक सैलरी पैकेज होता है दैट इज़ फ्रॉम द 8 LPA टू 40 LPA, इन लोगों का हाईएस्ट पैकेज होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये लोग हम लोगों के बेसिक स्किल पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गया, रिज्यूम प्रिपरेशन, वर्कशॉप एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। कोर्स का कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो वेबसाइट पर इन लोगों ने शेयर किया है, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई कोर्स करना है तो डेफिनेटली उस कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स है वो आना लिखना बहुत ज़रूरी है गाइज। सो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर वो मेंशन किया है, जिसके थ्रू में हम समझ में जाएंगे कि ये कौन से टूल्स हम लोगों को सिखाए थे, कौन से मॉड्यूल पर ये लोग काम करेंगे। तो ये पता चलता है तो हम लोगों को भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कोर्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जैसे मैंने कहा कि जो थ्योरी में सीखते हैं हम, उसको प्रैक्टिकल आना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रियल टाइम में यहाँ पर करने को मिलेंगे। और ये कंप्लीट जो कोर्स है ना गाइज, वो 2024 सा, मतलब अभी जो चल रहा है करंट ईयर, उसके हिसाब से अपग्रेड किया हुआ है। और ये मेन चीज़ है, क्योंकि IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर दिन एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो यहाँ पर अपग्रेड होती है। इसके फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना इन लोगों का फीस है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस ये पे फीस करने के लिए आप लोगों के पास में EMI का ऑप्शन है। देन आपके पास में अगर आप लोगों को फीस भरने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू विल गेट अ 10 डेज रिफंड पॉलिसी ऑल्सो हियर। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर आपकी सीट जो है यहाँ पर इतनी अमाउंट पे कर यहाँ पर आराम से यहाँ पर आपकी सीट जो है ये कन्फर्म कर सकते हो। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि आप लोगों को कौन से मेंटर्स है, स्पीकर्स है, जो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी और के पास में अगर हम लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज और उसके थ्रू में आप कुछ लेते हो, तो आप लोगों का नॉलेज होता है वो यहाँ पर डबल होता है। सो यस, ऑफकोर्स आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट्स है, मेंटर्स है, अगर आपका कोई भी डाउट भी होता है तो ये लोग यहाँ पर आपका डाउट जो यहाँ पर क्लियर करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, हर एक चीज़ में जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। और आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास में ओडियन स्कूल का यहाँ पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आ जाएगा गाइज। सो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आप लोगों के पास में कोई क्वेरी है कि ये कोर्स कैसे किया जाए, या और ये कोई भी क्वेरी जो आप लोगों को लगती है कि मैं यहाँ पर अभी नहीं बताई हूँ और आप लोगों के दिमाग में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट करूँ। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है गाइज। ही नहीं गाइज, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज है जो डेटा साइंस फील्ड के लिए हायर करती है, और आप भी चाहते हो कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनकर, एक प्रोफेशनल बनकर ऐसे जॉब्स पर आपको अगर अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में उसका प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्रोफेशनल नॉलेज आप तभी गेन कर पाते हो अगर आप उस प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिकल करते हो, या आप लोगों के पास में एक स्टेप बाय स्टेप उस लोगों की एक रोड मैप, तब भी आप ये जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर ले सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में अगर ऐसा ही सर्टिफिकेट आप चाहते हो, एक रोड मैप चाहते हो, तो ओडियन स्कूल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन लर्न एवरीथिंग गाइज। सो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप एक बार जाकर प्लीज चेकआउट करना। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।